शांति। आज 31 जनवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को शांति और सुख के टावर में चलना है, अर्थात शांति धाम सुख धाम चलना है। तो वहां चलने के लिए अपने कैरेक्टर्स को, अपने स्वभाव को सुधारना है। साथ ही साथ बाबा कहे, पुराने पन को परिवर्तन कर स्वयं में नयापन लाना है। लेकिन नयापन लाने के लिए दिमाग रिफ्रेश होना चाहिए। अगर दिमाग भारी होगा तो नयापन अपने में कैसे ले आ सकेंगे। इसीलिए बाबा कहे, बच्चे अपने दिमाग को सदा रिफ्रेश रखने के लिए सदा विचार सागर मंथन करते रहो। जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना फ्रेश रहेंगे, सर्विस अच्छी कर सकेंगे और आत्मा की बैटरी चार्ज रहेगी। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ कनेक्शन होने से सदा महसूस होगा कि सर्व शक्तियां स्वयं में भरती जा रही है, जिस कारण से जो पुराना पन है वो समाप्त होता जा रहा है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। आज की मुरली से प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है। उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्य का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नयनहीन हुए ना, जिसके पास ज्ञान ही न हो, क्योंकि ज्ञान माना चक्षु। तो ज्ञान के चक्षु न होने कारण न परमात्मा को जानते हैं, न जो प्रार्थना करते हैं उसको समझ पाते हैं कि उसका भाव क्या है। तो इसीलिए बाबा कहे, जब परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाते हैं। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नयनहीन हुए ना, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति। ये तीन की महिमा भी एक के साथ जाती है। त्रिनेत्री अर्थात ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला, त्रिकालदर्शी जिससे तीनों कालों को जान सकते हैं, और त्रिमूर्ति अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। तो बाबा कहे, भले ये शब्द कह देते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। बल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए।
तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है कौन सा? शांति का टावर है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा, बाबा कहे टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज, तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। कलयुग है टावर ऑफ दुख धाम, हर बात में इनसॉल्वेंट है, अर्थात एकदम खाली है। पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग, वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है या दुख का टावर है। यहां अथाह दुख है, टावर अर्थात सर्वोच्च, यानी असीम दुख की दुनिया है, जहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा। तो यह दुख का टावर है, यहां अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कौन से सारे दुख इकट्ठे हुए? तन मन जन धन, सारे दुख इकट्ठे हो गए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं है। बिंदी समझे, क्या समझे? अरे जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहां भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही जाते हैं। बल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबके सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएंगी। जितना बाबा को याद करेंगे पाप कटते जाएंगे, बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अकल चट। यह काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं।
पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्पवृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। उनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसे पार्ट हो ना सके। इतना वंडरफुल ये ड्रामा है कि दो आत्माओं का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो, कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिलती है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबर वार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना, मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता, सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, बाबा भी इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। कहते ना, कुदरत की ये बात देखो, है ना, कुदरत का ये सौंदर्य देखो। तो कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। ये सबसे बड़ी कुदरत है। सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, बाबा कहे तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए, आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो कि अभी हम टीचर बनकर सबको राजयोग सिखाते हैं, फिर वापस घर जाना है। वो लोग तो जानते नहीं, न सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर, गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। वापस जब घर जाना है तब गाइड बनता है, ऊपर से नीचे आने में गाइड नहीं बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। रास्ता बताते कैसे हैं, अशरीरी भव, रास्ता बताते हैं अशरीरी भव। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बात लिख दी है, यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं,
कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े हैं, चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे तुम्हें तो इतनी खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें सब कुछ नया मिला है। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा का सारा हिसाब किताब बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं, तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही प्राप्त हो जाता है। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से जड़ जाते हैं। बाबा कहे झाड़ अगर कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहां, जानते थोड़ी है। जो आत्मा इस स्वर्ग में गई है वही कहती है। आत्मा को तो सब याद रहता है ना, इसीलिए जिन्होंने कोई जन्मों में स्वर्ग देखा है तभी तो याद करते हैं। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है इन्हें समझाना। कहीं समझते भी है कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहां से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है, अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा यह है चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजा के चित्र है, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए है। अगर डालेंगे तो जरूर है उसमें कोई बचेगा तो नहीं, तो खुद भी तो उसमें मरेंगे। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सत्युग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहां कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। यह नहीं कि यहां कोई आए और कहे बस आशीर्वाद दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा कहे तुम ये शब्द नहीं बोलेंगे जो ईश्वर की इच्छा।
तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। हाँ, बाबा भी हमेशा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है, मनुष्य समझते हैं, वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे, हरेक इंसान के अपने कर्म ही उसको सजा देते हैं, बाकी बाबा किसी को सजा नहीं देते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्म न्याय करता है। यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्यंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, ऐसी अपनी अवस्था बाबा कहे बनानी है। अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। स्वयं को आत्मा समझे और कुछ भी याद न आए सिवाय मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरी पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति के मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना यही सच्ची सेवा है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा सपूत होता है, आज्ञाकारी होता है, सर्व के साथ स्नेह भरा व्यवहार करता है, तो स्वतः मात पिता के दुआओं के अधिकारी बन जाता है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है, यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। कौन सी? संकल्पों की भाषा। आपकी साइलेंस पावर
साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन, जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ना चाहते हुए भी सबकी नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस।